हम जिस खूनी की तलाश कर रहे हैं वो शायद यही है। अरे मैया रे, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है रणविजय जी, उनका सूरज का नंबर मिल गया है, अब तलाशी जारी रखी। हम यहाँ से उस नंबर पर फोन करिए, फिर उनकी घंटी तो आपको सुनाई दी है ना, फिर आपका वो सूरज पे मिल जाइए, उनका पकड़ कर दो चार दाग दीजिएगा उनकी तरफ से भी। ठीक है, आप फोन कीजिए। सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे भाई बापू की भी परवाह। ये लो, फोन कर लो उन्हें। हेलो हेलो सूरज। नहीं नहीं इस नाम का तो कोई आदमी यहां नहीं रहता। हाँ हाँ मैं सबको जानता हूँ। जी बोलिए। रणविजय जी, हमने किया था फोन, मगर हमका लगा था कि वो किसी और का नंबर है, और हमका ये भी लग रहा है अब कि दीदी ने किसी और के नंबर से माई का फोन किया होगा। सूरज अभी तक पहुंचा भी नहीं। हमका लागत है कि बहुत ही सही समय दीदी से ब्याह करेगी, ब्याह कर लो उस चकोरिया से, ताकि वो फिर कभी हमारे रास्ते का काटा कब ना बने। ये सोचा तो ऐसे ही कुछ है। क्या कर रहे हो, जाओ ना यहाँ से। हाँ मैं, पता है तुमने क्या कहा था, वैसे भी अंधेरा है और यहाँ पर नहीं देख रहा है वो, वैसे भी हमें अपना फोन चाहिए था ना। जाओ ना यहाँ से। रणविजय साहब, आज की पार्टी बहुत शानदार रही, बहुत मजा आया, तो अब हम लोगों को इजाजत दीजिए। चौधरी साहब, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाने से पहले खुशखबरी लेते जाइए। और इनसे मिलिए, ये चकोर जी है हमारी होने वाली जीवन साथी। अरे वाह क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अब हम चाहते हैं कि ये खुशियों का सिलसिला जारी रहे, इसीलिए 3 दिन बाद हमारी सगाई है और 1 हफ्ते बाद शादी।
और आप सब निमंत्रित हैं। अरे भाई रणविजय जी, आपने तो लाखों में एक लड़की ढूंढ के निकाली है। आज इन्होंने हम लोगों का खूब मनोरंजन किया और खूब उधम मचाया, और उनके साथ साथ वो बेटा चकोर के साथ हमने बहुत मजा किया, नाचे गाए। अरे आज तो बहुत मजा आया, क्यों काव्या, है ना? चकोर जी, आज तो आपका सूरज अस्त हुआ नहीं, लेकिन हाँ, अगर आपने शादी करने में थोड़ी सी भी अड़चन डाली तो फिर अच्छा नहीं होगा। हमने मेहमानों के लिए जाते समय देने के लिए गिफ्ट रखी है, लेकर आते हैं स्टोर रूम से। हम जाकर इंस्पेक्टर साहब का ध्यान बढ़ाते हैं, तुम नजरों से बचकर स्टोर रूम में चले जाना। नहीं नहीं नहीं, हाँ आप रुकिए, हम लेकर आते हैं। चकोर जी, हम भी जाते हैं स्टोर रूम में, तब तक मेहमानों को देखने तो दीजिए, हमारी होने वाली धर्म पत्नी को। कमल जी, सी क्या बात हो गई कि आपने अपनी जीते जी अपनी ये राज गद्दी, ये सिंहासन हमका सौंप दिया? आखिरकार हमने वो फैसला कर ही लिया जिसके लिए हम कई दिनों से परेशान थे। हमारी दिली ख्वाहिश थी कि हमारे सुपुत्र सूरज आजादगंज से चुनाव लड़े और यहाँ के विधायक बने, लेकिन ना, वो इस काबिल नहीं है। इस काम के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो वफादार भी है और होशियार भी, और वो व्यक्ति तू है। तू लड़ेगी यहां से इलेक्शन, तू बनेगी MLA, हमारे सपनों को साकार करेगी, करेगी ना? तूने जिस तरीके से वो सूरज और चकोर के मसले को संभाला, अबे काबिले तारीफ है। और वो चिरकुट, क्या नाम उस बच्ची का, क्या नाम है? पाकी। पाकी, पाकी, पाकी का मुंह बंद कर दिया तूने, हैं? तुझे तो इनाम मिलना चाहिए, इससे बड़ा इनाम और क्या दे सकते हैं? वाकई में कमल जी, आपने बहुत सही फैसला लिया। हमसे बेहतर इस राजगद्दी, इस सिंहासन के लिए और कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। चल, मिठाई आप खा। जब तू आजादगंज की राजगद्दी संभालेगी तो ये मत भूलना कि ये राजपाट तुझे दिया किसने? हमने। कभी नहीं। आप हमारी बात का विश्वास कीजिए कि हम हमेशा आपकी बात सुनी। आप हमका जो बोलिए करे के लिए, हम हमेशा वही करी। आखिरकार ये राजगद्दी सौंपने वाले आप ही तो हैं हमका। अगर हम आपका उपकार नहीं मानेंगे तो और किसका मानेंगे? जीती रहे बहुरानी, हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ। इमली जी, सूरज अब तक यहाँ पहुंचा नहीं है। हमें और हमारी बंदूक की गोलियों को उसका बहुत बेसब्री से इंतजार है। आपको कुछ भी खबर मिलेगी तो हमें बता दीजिएगा। और धीरज रखिए रणविजय जी, धीरज। धीरज का फल बहुत मीठा होगा था। बिल्कुल वैसा जैसा आज हमको हमारे धीरज का फल मिला, एकदम मीठा। आपका पता है, कमल नारायण जी ने जो राजगद्दी, जो सिंहासन सूरज का सौंपने वाले थे, आज हमका सौंप दी। आजादगंज में अब हमारा राज चलिए।
ये तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। मगर कमल नारायण जी के लिए बहुत दुख की बात हुई है ना रणविजय जी, कह के जब आसाद गंज में हम राज करी वो तो जिंदा ही नहीं हुई है देखने के लिए। कहा है ना रास्ते के पत्थर को हटाना बहुत जरूरी है, इसलिए आप उस सूरज का रास्ते से हटाइए और हम इस कमल नारायण का अपने रास्ते से हटाएंगे।